जयपुर से अब खबर। सचिवालय में 20 अप्रैल से शुरू होगा कामकाज। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत सभी कार्यालय खुलेंगे। 3 मई तक रहेगी मॉडिफाइड लॉकडाउन व्यवस्था। कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए। सभी आईएएस आरएएस और सभी विभागाध्यक्ष नियमित रूप से कार्यालय आएंगे। 3 मई तक मॉडिफाइड लॉकडाउन व्यवस्था रहेगी। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत सभी कार्यालय खुलेंगे। कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी आईएएस आरएएस और सभी विभागाध्यक्ष नियमित रूप से कार्यालय आएंगे। सचिवालय में 20 अप्रैल से कामकाज शुरू होगा। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत सभी कार्यालय खुलेंगे। 3 मई तक मॉडिफाइड लॉकडाउन व्यवस्था रहेगी। कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। 20 अप्रैल से कामकाज शुरू हो जाएगा। सभी आईएएस आरएएस और सभी विभागाध्यक्ष नियमित रूप से कार्यालय आएंगे। सचिवालय में 20 अप्रैल से कामकाज शुरू होगा। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत सभी कार्यालय खुलेंगे। सभी आईएएस आरएएस और विभागाध्यक्ष कार्यालय आएंगे नियमित रूप से। कार्मिक विभाग की ओर से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। सचिवालय में 20 अप्रैल से कामकाज शुरू होगा। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत सभी कार्यालय खोले जाएंगे। कार्मिक विभाग की ओर से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। 3 मई तक रहेगी मॉडिफाइड लॉकडाउन व्यवस्था। कार्मिक विभाग की ओर से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। 20 अप्रैल से सभी आईएएस आरएएस और सभी विभागाध्यक्ष नियमित रूप से कार्यालय आएंगे। लॉकडाउन का दूसरा फेज ये है और अब सचिवालय में 20 अप्रैल से कामकाज शुरू होगा। कार्मिक विभाग की ओर से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत सभी कार्यालय खोले जाएंगे। चलिए न्यूज रूम का रुख फिलहाल करेंगे। हमारे सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, देखिए कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए हैं। 20 अप्रैल से सभी कार्यालय खोल दिए जाएंगे और सभी आईएएस आरएएस और तमाम विभागाध्यक्ष लगातार नियमित रूप से कार्यालय आएंगे। बिल्कुल, देखिए मनीषा, 20 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन प्रदेश में लागू होगा और जिसके लिए राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं सचिवालय जो कार्मिक हैं उनको लेकर कार्मिक विभाग की ओर से निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसके उन निर्देशों के अनुसार जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हों या राज्य सेवा के अधिकारी हों उनको, साथ ही जो सचिवालय के विभागाध्यक्ष हैं उनको नियमित रूप से कार्यालय आना होगा। साथ ही जो मंत्रालय कर्मचारी हैं उनको एक तिहाई रोटेशन के हिसाब से कार्यालय बुलाया गया है। साथ ही जो कर्मचारी घर पर रहेंगे उनको वर्क फ्रॉम होम करना होगा। साथ ही देखिए कार्मिक विभाग की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं उनके अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी कार्मिकों को मुख्य रूप से निर्देशित किया गया है। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप जो डाउनलोड करना कार्मिकों को अनिवार्य रूप से किया गया है। देखिए जिस तरह निर्देश जारी किए गए हैं और जिन कार्मिकों को सचिवालय बुलाया जाएगा उनको ही जाँच के बाद सचिवालय में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही कुछ रियायत भी कार्मिकों को दी गई है। प्रदेश में जिन स्थानों पर हॉटस्पॉट स्थान हो या फिर जो कर्फ्यू ग्रस्त इलाके हैं वहाँ जो कार्मिक रहते हैं उनको सचिवालय नहीं आने के लिए निर्देशित किया गया है कि जो जिन इलाकों पर कर्फ्यू लगा हुआ है या हॉटस्पॉट जो एरियाज हैं जहाँ कोरोना संक्रमित अधिकांश लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनको लेकर उन लोगों को सचिवालय, जो कार्मिक हैं उनको सचिवालय नहीं बुलाया गया है। और साथ ही जो बैठक है, देखिए जो कार्मिक विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार सचिवालय में जो बैठकें होती हैं ऐसी मीटिंगें जिनमें 10 या 10 से अधिक जो कार्य अधिकारी शामिल होने की संभावना है वो बैठक भी सचिवालय में नहीं होंगी। दिनेश, एक यहाँ पर बहुत अच्छी बात सामने निकल कर ये आ रही है कि रोटेशनल प्रोसेस यहाँ पर लगाया जाएगा और साथ ही जो लोग सिटी एरिया में या फिर ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ से कोरोना पॉजिटिव ज्यादा संख्या में आ रहे हैं उन लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी यहाँ पर दी जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से सारा कामकाज बंद था इसी को मद्देनजर रखते हुए फिर से सचिवालय में 20 अप्रैल के बाद मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत कामकाज फिर से शुरू कर दिया जाएगा। रोटेशनल प्रोसेस जो है वो बेहद काबिलियत
तारीफ यहाँ पर है, ताकि राहत के साथ बिना काम के प्रेशर पड़े लोग काम कर सकेंगे। बिल्कुल, कार्यालय खुलेंगे और कार्यालय खुलने के साथ ही आंशिक रूप से लोगों को राहत भी मिल सकेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आम लोगों का प्रवेश सचिवालय में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही जिस तरह आपने कहा कि कर्फ्यू ग्रस्त जो इलाके हैं जहां पर पॉजिटिव मरीजों की संख्या अधिकांश पाई गई थी, हॉटस्पॉट जो एरियाज हैं, वहां के कार्मिकों को सचिवालय नहीं बुलाया गया है। जी बिल्कुल दिनेश, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि 20 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत सभी कार्यालय फिर से शुरू किए जाएंगे, कामकाज वहां पर फिर से शुरू हो